नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, आज आप सभी को पता है, आज से हमारा हिंदू पंचांग में नया साल लग चुका है। आप लोगों को ढेर सारी बधाई। नया साल आपके लिए खुशियां लाए, नया साल आपके लिए शुभकामनाएं लाए, और नए साल में आप एक नया काम, नया दिन, नया सवेरा आपके लिए हमेशा आता रहे। तो दोस्तों, मैं अभी देवी माता के मंदिर में हूँ। ये मंदिर एक गुफा के अंदर है। आपको मैं बाहर का भाग दिखा रहा हूँ, एक ठोस चट्टान के अंदर है ये। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग पर, कहीं मत जाइए। आपको मैं माता रानी का गुफा के अंदर मंदिर दिखाता हूँ। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, फिर भी मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये मंदिर जो है एक सख्त चट्टान के अंदर है। ये चट्टान है मेरे सिर के ऊपर भी, ये देखो, पूरा चट्टानी चट्टान है ये देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस चट्टान के अंदर। एक अंदर जाने के लिए रास्ता है चट्टान के अंदर बनी हुई है, और यहाँ से लेट के जाना पड़ता है अंदर। ये अंदर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माता विराजमान है। अंधेरा होने की वजह से, लाइट की सुविधा न होने से आपको ठीक ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ। और नीचे एक कुंड टाइप का है, और यहाँ पर पानी भी भरा रहता है बरसात के टाइम पर। ये देखो, यहाँ अंदर बैठने की भी जगह है नीचे साइड में। ये ऐसी गुफा के अंदर मंदिर है, माता विराजमान है। ये देखो दोस्तों, ये है देवी माता का मंदिर। यहाँ पर घंटियाँ भी लगी हुई हैं, और नीचे से ये रास्ता आता है मंदिर के लिए। और सामने जो है सरयू नदी बह रही है, ये देखो, और ठीक सामने सेरा घाट है। सेरा घाट से लगभग 1 किलोमीटर है ये। आप आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। माता यहाँ पर साक्षात देवी माता का मंदिर है, माँ यहाँ पर विराजमान है। जो भी भक्त अपनी सच्चे दिल से, अपनी श्रद्धा से आता है, मन वांछित फल पाता है। तो दोस्तों, यह है देवी माता का मंदिर। आज मैं माता की के मंदिर में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं, ये ऐसी चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर है। और यहाँ पर भक्त लोगों ने जो है एक लेंटर डाला इसमें, बीम कॉलमों में, और यहाँ पर खड़े होने की जगह बनाई पूजा पाठ करने के लिए। और इस साइड से जो है सीढ़ियाँ हैं नीचे को, ये सीढ़ी बना रखी है, और नीचे चारदीवारी भी बना रखी है, हाल भी बना रखा है। ये देख सकते हैं, ये है मंदिर। आप आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। तो माता के मंदिर में, इस मंदिर में लेट करके अंदर जाना पड़ता है, और चाहे कितना ही मोटा आदमी क्यों नहीं हो, अंदर घुस जाता है, और अंदर जाके दिया बाती भी करके आता है आदमी। ये देखो, ये देखो, वैसे अंधेरा हो रहा है अंदर, ये अंधेरे में मैं दिखा पा रहा हूँ अभी, आगे तक है ये। ये देखो, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ये है माता रानी का मंदिर। यहाँ पर दीवार लगा करके फिर सीढ़ियाँ बनाई गई, और बीम कॉलमों में एक छोटा सा लेंटर डाल करके फिर ऊपर जाने का रास्ता बनाया। वहाँ पर आदमी पूजा पाठ कर सकता है, ये देखो। और ये सख्त चट्टान है, चट्टान को भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सीधे ऊपर तक है ये चट्टान। देखो, ये देखो, चट्टान का ऊपर का भाग है। इसी चट्टान के अंदर माता गुफा में विराजमान है। जो भी भक्त सच्चे दिल से अपनी मनोकामना यहाँ पर आकर के प्राप्त कर सकता है, माता उसको मन वांछित फल देगी।
जय माता की। यह है देवी माता का मंदिर, ये देखो, ये नीचे सामने नदी है और चारों ओर झाड़ीदार इलाका भी है और तो दोस्तों जो भी भक्तों में माँ की आस्था है ज़रूर आना एक बार। ये सिरा घाट से 1 किलोमीटर है, आप पैदल आने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आधे तक रोड है, आप आ सकते हैं रोड से भी, कच्चा रास्ता है रोड का।